देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉबेट बुलेटिन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी के पुलिस बहुउद्देशीय भवन में नैनीताल जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जहां बैठक में आपराधिक केसों की पेंडेंसी और आपराधिक केसों में हुई लापरवाही को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी का कहना है कि कोतवाली में रुकी आपराधिक मामलों की फाइलों के निपटारे को लेकर अधिकारियों को त्वरित जांच के आदेश दिए गए हैं। उनका कहना है कि अपराध को होने से बचाने को लेकर पुलिस लगातार काम कर रही है और उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपराधों और आपराधिक तत्वों को लेकर पुलिस को त्वरित और नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं पुलिस अधिकारियों को अधिक से अधिक केसों के निस्तारण के आदेश दे दिए गए हैं। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से संवाददाता समय आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। जी मैम, आज आपने हल्द्वानी कोतवाली की समीक्षा बैठक की है, क्या कुछ कारण हैं इनके? क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग आज इन्वेस्टिगेशंस का ओआर कर रहे हैं कोतवाली हल्द्वानी का, और अभी हम लोगों ने देखा है बहुत ज़्यादा पेंडेंसी नहीं है, क्योंकि हमारे एसपी सिटी और जो सीओ हैं उन्होंने लगातार इसमें ओवर करके पेंडेंसी काफ़ी कम है, और मेरे द्वारा इसमें जो सीरियस क्राइम्स हैं उनकी भी रिव्यू की जा रही है, आवश्यक दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे हैं। जहाँ कहीं पे लापरवाही इसमें मालूम हुई है तो उसमें हमने जाँच भी खोली है और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। आज हमने दो लोगों को यहाँ पर सम्मानित भी किया है। हमारे एक कॉन्स्टेबल और एक होमगार्ड हैं जिन्होंने गश्त के दौरान बहुत अच्छी ड्यूटी करते हुए एक घटना को रोकने से को होने से रोका था। We'll be right back.